हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फास्ट फूड मैनेजर। तो गाइस आज हम अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं, और भी ज्यादा नए एम्प्लॉयज हायर करने वाले हैं एंड अपना रेस्टोरेंट भी अपग्रेड करेंगे भाई, ताकि हम और भी ज्यादा पैसा कमाते जाए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा एक एम्प्लॉय लगा हुआ है जो कि हाय हेलो कर रहा है सबको, वेरी गुड वेरी नाइस, आप पैसा कमाते जाओ। हम चलते हैं अपने दूसरे वाले स्टॉल पे, जहाँ पे अभी ज़्यादा चीज़ें की नहीं है हमने। लास्ट टाइम अपन ने देख लिया था, हालत ख़राब हो गई थी, मैंने 8-10 कुर्सी लगा दी थी वहाँ पे एंड फिर इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे कि हैंडल नहीं हुआ था अपन से। तो मैं एक काम करता हूँ, अपन यहाँ पे भी एक एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं, अपने लिए आसान रहेगा। लेकिन पहले आई थिंक इतना सही रहेगा भाई, रुको मैं एम्प्लॉय हायर कर लेता हूँ, अपने को पैसे ही कमाना है ना, तो कोई बात नहीं अपन सबसे बढ़िया वाला एम्प्लॉय हायर करें तो। लेकिन अभी अपन कर नहीं सकते भाई, क्योंकि अनलॉक नहीं हुआ है वो चीज़। ओहो, तो अपने को $1,250 कमाने हैं भाई। ओके, अपन दुकान चालू करते हैं, देखते हैं अपन कर पाते हैं कि नहीं। अपने पास देखो हॉट डॉग है नहीं, ये भी ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। चलो शॉप ओपन कर लिए, देखते हैं भाई अपन कितना कर पाते हैं। ओके, कोई आ गया है चॉकलेट लेने के लिए, चॉकलेट तो आप ले लो भाई, चॉकलेट तो हमारे पास है, थैंक यू। यहाँ पे अपने पास ज़्यादा चीज़ है नहीं, ओके दो चॉकलेट एक ड्रिंक ये लो आपकी। अरे भाई गिर गया, गिरा हुआ चॉकलेट दे दे, ड्रिंक तो ये रहा हमारे पास, तो ये लो मैडम ड्रिंक, थैंक यू, पैसा देके जाना। ओके वाइट, ये लो वाइट वाला डोनट, और ये लो हमारे क्रोसांट ख़त्म हो गए, तो क्रोसांट को मैं आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ। तो अभी हमारे पहले वाले शॉप पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैं वो देने आया हूँ। तो ये लो अंकल आपके दूध, सारे 1,000 10,000 मिलीलीटर, एक कितना है भाई वो 1,000 लीटर है, 1,000 लीटर दूध दे दिया अपन ने। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे अपन लाके कुछ कुर्सियाँ लगा दे भाई, ताकि यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते जाएँ, क्योंकि वहाँ पे अपने को वैसे भी ज़रूरत है नहीं। तो मैं एक्चुअली मैं 3 कुर्सी उधर रखूँगा, और 3 से 4, उससे ज़्यादा अपन हैंडल नहीं कर पाएंगे, और बाकी अपन यहाँ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉई है तो वो जल्दी जल्दी पैसा भी कमा पाएगा और अपना काम आसान हो जाएगा थोड़ा। तो हम टेबल लेते हैं और टेबल को अपने इसके बहुत करीब लगाते हैं भाई, ताकि अपन जल्दी जल्दी दे पाएँ। तो ये यहाँ पर लगा दिया अपन ने, और ये सब भी मैं ले लेता हूँ। तो अपन चारों तरफ यहाँ पे कुर्सियाँ लगा देते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे और कस्टमर्स भी अपने पागल जैसे ना आए, भर भर के। तो 4 कुर्सी अपनी यहाँ पे लग चुकी है, मैं बाकी कुर्सी भी उधर दे आता हूँ, और अपन यहाँ पे हॉट डॉग का सामान ले आते हैं भाई, कि पिछली बार हॉट डॉग बनाना बहुत ज़्यादा ही फेल हो गया था अपन ने या तो जला दिया था, या तो अपन ने गलत दे दिया था, या तो अपन बना ही नहीं पाए थे भाई टाइम पे। तो इस बार वो गलती नहीं करनी है मेरे को, बिल्कुल एकदम रिक्स नहीं लेने का है रे बाबा। बाय द वे गाइस, अगर आपको भी बिल्कुल रिक्स नहीं लेना है और अपने मोबाइल डिवाइस या फिर पीसी को बिल्कुल ही सिक्योर रखना है, तो अभी नॉर्ड वीपीएन डाउनलोड करो, जिसका यूज करके आप अपने डिवाइस को कम्प्लीटली सिक्योर रख सकते हैं। एंड अगर आप गेमिंग करते हैं और किसी गेम के सर्वर बाहर है, यानी कि इंडिया में नहीं है, तो आप नॉर्ड वीपीएन का यूज करके बाहर की कंट्रीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड लो पिंग में गेमिंग कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करो गाइस नॉर्ड वीपीएन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप 2 साल का प्लान परचेज करते हैं तो आपको पूरे 77% ऑफ मिलेगा भाई। तो जल्दी जाओ एंड डाउनलोड करो। तो यहाँ पे गाइस अपन 3 कुर्सी लगा देते हैं अपनी, 4 तो एक तो लगी हुई है, ये वाह भाई मैडम आई और बैठ गई ये क्या था, इधर भी कोई नहीं, इधर कोई नहीं बैठा, अरे यार अच्छा रहता अगर बैठ जाते चारों तरफ लोग। तो सर आपके यहाँ बियर हम अवेलेबल करा दें, एक सेकेंड, आप बियर नहीं बेच सकते, ओके आप बियर नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ सामान चाहिए होगा तो कॉल कर देना बस, ठीक है तो फिर खुद ले आना मैं नहीं बोल रहा। तो कहते हम लोग यहाँ से खरीद लेते हैं अपने बंस, एक मिनट हॉट डॉग वाले बन यही है ना, हाँ यही है हमारे हॉट डॉग वाले बन, तो मैं इसको 5 पैकेट खरीद लेता हूँ ऑल राइट। और मेरे को सॉसेजेस लेने हैं भाई, तो अपने सॉसेजेस किधर गए, ये रहे भाई हमारे सॉसेजेस, 5 अपन ये ले लेते हैं ऑल राइट। और मेरे पास भाई मैं सोच रहा हूँ डोनट बेचूँ ही ना, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ है डोनट बेचना, तो अपन सोडा ले लेते हैं उसकी जगह, सोडा ज़्यादा अच्छे से बेच पाएंगे अपन। और बियर, बियर भी ले ही लेते हैं चलो, ओ ये वाली बियर भी बेच सकते हैं ना अपन, $12 का एक पैक है, ओके ओके ओके। तो अपन एक ये एक ये एक ये एक ये, ओ फुल हो गई इन्वेंटरी, शिट कोई बात नहीं गाइस वापस आएंगे हम चीज़ें ले जाने के लिए। मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, अपन नीचे क्यों नहीं रख सकते हैं सामान, हेलो चलो मैंने यहीं फेंक दिया भाई। तो अपने पास ब्लू ग्रीन, ओके मेरे पास क्या क्या है देख लेता हूँ। ओके गाइज आई थिंक अब हम अपनी दुकान खोलने के लिए रेडी हैं, तो अपन ने यहाँ पे बियर सारे पटक दिए हैं अजीब तरीके से एंड कुछ चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें खत्म होंगी अपन आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे उनको। तो भाई मैं कुछ ना कुछ कुछ बना के रख ही लेता हूँ पहले से, यहाँ पे ये, अरे
एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अरे सर, सर गिरना नहीं। हाँ आपको क्या चाहिए? बियर चाहिए। ओके बियर अभी देते हैं हम आपको, इन्वेंटरी में से दे देते हैं। और हरी वाली बियर चाहिए तो हरी एक भाई। हाँ यही है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू सर, दोबारा आना, ज़रूर आना, बस ज़्यादा मत पीना। अरे उसको कहाँ फेंक दिया मैंने ये। ओ किसी को पिंक बियर चाहिए तो ये लो सर, पिंक बियर, आप आके बैठे हो। थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी आओ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है लोगों को आने में, समझ ही नहीं आ रहा। और उधर कितना प्रॉफिट हुआ? $156। ओ माई गॉड। हाँ मैं इधर बना के रख लेता हूँ। ओके और अपन इधर दो हॉट डॉग भी बना के रख लेते हैं। अरे हॉट डॉग किसी को नहीं चाहिए क्या भाई, अजीब लोग हैं। चॉकलेट चाहिए आपको? ये लो चॉकलेट। और आपको हरी वाली बियर चाहिए तो हरी हरी यही है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट। और पिंक, ये रही आपकी पिंक बियर। थैंक पिंक बियर। अरे मैं राइट क्लिक दबा देता हूँ यार। ओके पैसा, ओह पैसा ही पैसा, वेरी गुड। हो गया, बंद कर दो, बंद कर दो। थैंक यू। ये भी हो गए थे कुक्ड, कुक्ड। ओके 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 ओके। अरे हॉट डॉग वाला कोई नहीं आ रहा, द वर्किंग डे इज डन। अरे भाई ठीक है भाई, ठीक है भाई, सही है भाई, सही है, लेकिन सही है। एक बार भी हॉट डॉग नहीं बेचने दिया हमें। बाय द वे गाइस, हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर्स होने वाले हैं यार, तो प्लीज जाके फॉलो कर दो वहां पे। कितना वेट कराओगे यार, प्लीज 10,000 फॉलोवर्स करवा दो वहां पे। हम बिहाइंड द सीन्स एंड मे बी सेटअप रिवील बहुत जल्दी करें तो आपको देखने सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप हमसे बातें भी कर सकते हो, फटाफट से मैसेज भेज दो इंस्टाग्राम पे, हाय हेलो जो भी है। चलो ये दुकान ओपन करते हैं सर। ऑल गुड, सब सही चल रहा है ना? आपकी चार कुर्सी, एक बात बताओ, चारों कुर्सी में लोग बैठते हैं कि नहीं, या फिर चारों के लिए अलग अलग टेबल लगाना पड़ता है? अब भी पता चल जाएगा। इनके दुकान के बाहर बहुत भीड़ है, क्या बेचते हैं ये लोग? फ्रेश मीट सर, थोड़ा टेस्ट कराओगे? व्हाट इज दिस, शवारमा बेचते हैं ये लोग भाई? अब हम भी बेच लेंगे कुछ दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्रेश है ना भाई, खराब तो नहीं हो रहा। ओके अरे कौन है भाई सुबह सुबह बियर पीने आ गया भाई, हद है, नशे में हो गया। आगे वाले को भी बियर चाहिए भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ कौन नशेड़ी लोग हैं सुबह सुबह बियर पी रहे हैं भाई। एक मिनट आओ, मैंने स्टॉक में तो डाला ही नहीं वो शे कि अपना बर्गर, बर्गर स्टॉक में है अपना, वेर इज बर्गर? ये रहा। हाँ इसको मैं $5 का बेचूंगा। आ जाओ आ जाओ। और अपने पास और क्या क्या है? ये सब आउट ऑफ स्टॉक है, सब आउट ऑफ स्टॉक है, क्रोसांट में खरीद के लाया नहीं था। चॉकलेट ये है अपने पास, चॉकलेट थोड़ा सा। हाँ एक मिनट, सोडा भी लाया हो भाई? मैं और मैं ही नूबू भाई। ओके तो आपको चॉकलेट चाहिए अभी? ओके ये लो सर चॉकलेट, और ये लो आपका सोडा। नहीं किधर गया, व्हाट द हेल। ये लो सर सोडा, ये लो किसको चाहिए चॉकलेट, ये लो सर आपका चॉकलेट। और बियर चाहिए ना? ये लो आपकी बियर, और ये लो दूसरी बियर। आपको सोडा चाहिए और आपको बियर भी चाहिए और आपको दूसरी बियर भी चाहिए। वाओ पैसा हो रहा है गाइस, खतरनाक पैसा हो रहा है अपने पास। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, यस हॉट डॉग का ऑर्डर, लेट्स गो। ये हॉट डॉग में आपको क्या चाहिए? मस्टर्ड चाहिए ना पक्का? येलो ही दिख रहा है मेरे को तो। ओके मस्टर्ड ऐड कर दिया। ये लो मैडम फाइनली पहला ऑर्डर, यस सही गया। ये लो आपका चॉकलेट, चॉकलेट और पिंक वाला डोनट। ये रहा हमारा पिंक डोनट, आई थिंक सही है, यस। और एक चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट किस अंकल को? एन अंकल को। ऑल राइट आपको क्या चाहिए? हॉट डॉग चाहिए। ओके ये लो हॉट डॉग विथ केचप, एंड ये आपका हॉट डॉग बन गया। और आपको सोडा चाहिए, चलो। और आपको ब्लू वाला भी चाहिए। ओके ये लो भाई, बेचते रहो, सब बेचते रहो, पैसा आ रहा है गाइस, बह रहा है पैसा। 6.5 hours later तो गाइस हमारे पास ऑलमोस्ट $1,150 हो चुके हैं, तो अपने को 1,250 करने हैं अगले लेवल पे मूव करने के लिए। तो अभी तो भाई अपना पहला जो शॉप है वहाँ पे कुछ चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो अपन फटाक से दे के आते हैं अंकल को। ये लो अंकल, ये लो आपके क्रोसांट सारे के सारे भर लो। ओके सब सही जा रहा है भाई अभी तक तो। चॉकलेट वॉकलेट सोडा वोडा भी खत्म है इनके पास, सोडा मैं दे देता हूँ थोड़ा सा। चलो सारा ही रख लो आप, क्या याद रखोगे। ओके सब दे दिया अपन ने, चलो अंकल पैसा कमाते जाओ, मिलते हैं थोड़ी देर में। सर सुबह सुबह बियर है, आई मीन सोडा, ये लो आपको भी सोडा चाहिए। किसको सोडा चाहिए था? ये पुलिस वाली मैडम को। ओके और चॉकलेट चाहिए किसी को? आई थिंक गाइस अपना $1,250 हो चुका है भाई, तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं एक सेकंड। और ये देखो 1,250 कंप्लीटेड, इतना ही चाहिए था ना? यस 1,250 हो चुके हैं भाई। एक मिनट भाई, इनके ऑर्डर अपन ले लें।
चलो गाइस, अपन ने पैसे तो कमा लिए हैं, अब हम लोग खरीदते हैं कबाब का स्टॉल। तो कबाब का स्टॉल आई थिंक अपने को एक नई जगह खरीदना होगा। ओके, तो अपनी ये दुकान तो बंद है भाई, देखते हैं भाई कबाब स्टॉल। ऑल राइट, तो अपन प्रॉपर्टी में चलते हैं। और ये रही गाइस $650 की कबाब की स्टॉल भाई, इसमें क्वांटिटी क्या, लेट्स गो। तो इस साइड थी आई थिंक कबाब की स्टॉल, वो रही हमारी कबाब स्टॉल। हेलो, अच्छा तो उधर हॉट डॉग मिलता है, इधर कबाब मिलता है हर जगह। ये तुमसे अच्छा हम लोग बेच के दिखाएंगे, अब भी देखते जाओ सब हैं। चलो थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं पहले अपन यहाँ पे, देखते हैं कैसा लगेगा ये हमारा स्टॉल। ये सही है, टाइम फॉर टी, वाओ। ओके, तो इसका कलर अपन चेंज कर सकते हैं, आई थिंक ये रेड ठीक लग रहा है। और ओ, अपन इंटीरियर भी चेंज कर सकते हैं, वाओ। थोड़ा इसको ब्लू शेड ले जाते हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है। ओके, और क्या, और इसका कलर, बाहर का कलर अगर अपन रेड कर दें तो बढ़िया हो जाएगा ये, लेकिन रेड पे रेड अच्छा नहीं लगेगा, येलो। चलो गाइस, कस्टमाइज हो चुका है हमारा शॉप। ओके, देखते हैं अब। ऑल राइट, ठीक लग रहा है, इसमें ज़्यादा अच्छे कस्टमाइजेशन है नहीं, बट इट्स गुड। बाहर से भी दिख रहा है, अंदर से भी बढ़िया दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी भाई। पहले प्राइसेस सेट करने पड़ेंगे, फिर ये 50,000 चीज़ें खरीदनी होगी, उसी के साथ साथ ग्रिल खरीदना होगा, वेजिटेबल ट्रे, कटिंग बोर्ड और नाइफ स्टैंड, वाओ, टेबल चेयर। और हमारा पहले शॉप के लिए कुछ वर्कर हायर करने पड़ेंगे, तो अपन यहाँ के लिए एक वर्कर हायर कर लेते हैं बढ़िया सा, क्योंकि फटाफट बेच हुआ है, तो अपन ये बंदा हायर करते हैं, बढ़िया लग रहा है ये। इसको हायर किया हमें पता नहीं, बट अपन ने हायर कर लिया है। और अपन ये दुकान खोल लेते हैं। ओके, और ये लो अंकल बियर, हमारे पास बहुत सारी बियर है, ये आप रख लो, ठीक है, इस सारी की सारी बियर आप रख लो। हमारे पास सोडा भी है कुछ, ये भी आप रख लो, और ये भी है, वाओ, ये भी रख लो आप, सब रख लो, हमें नहीं चाहिए। और ये भी है, ये भी रख लो, ये भी है, ये भी रख लो, ये सॉस, मेयोनी, सब रख लो। सही है भाई, शॉप नंबर 1 पर चॉकलेट नहीं है भाई, कौन सी चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट तो आउट ऑफ स्टॉक कर दी मैंने, ज़रूरत क्या है, कोई नहीं, आप कमाओ, बाद में देखेंगे हम। फिर तो गाइस हम लोग चलते हैं अपने मॉल की तरफ एंड कुछ चीज़ें खरीद ले आते हैं जो भी हमें ज़रूरत की है। $650 है, होपफुली इतने में काम हो जाए हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से चालू करते हैं, आई थिंक ये लेना होगा हमें। हाँ, कबाब ग्रिल, व्हाट इज दिस, वेजिटेबल ट्रे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें। व्हाट इज दिस, रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक मिनट, कटिंग बोर्ड लेकर था वहाँ पे, प्रेस ग्रिल भी लेना है यहाँ के लिए। ऑल राइट, ओ आई थिंक बाकी चीज़ें अपने को उस साइड मिलेगी। टेबल कुर्सी ले लेते हैं, थोड़ी बढ़िया ले सकते हैं अपन इस बार, $25 की ये। ओके, ओ पैसा बचा नहीं है वैसे, कोई बात नहीं, होता है ये सब तो। ओ ये रहा हमारा नाइफ स्टैंड, कटिंग बोर्ड, ओ टास्क कंप्लीटेड, थैंक यू। अब हमें चीज़ें खरीदनी है भाई, मीट, कबाब, ब्रेड, कैबेज, क्यूकम्बर, टोमेटोज, कैरेट, केचप, मेयोनीज, कैबेज लेना है, छोमैचो, ओ वाओ, इन्वेंट्री फुल गाइस, इन्वेंट्री फुल, ऊपर से शॉप नंबर 1 वाला भी चीज़ें मांग रहा है हमसे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे हैं। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन चीज़ें रखना चालू करते हैं। ये क्या है, अपना ग्रिल, ओके इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, वेजिटेबल वाला यहीं रख देता हूँ, और अपना ग्रिल थोड़ा घुमा के इस साइड, कुर्सी लगा देता हूँ मैं बाहर की तरफ, लाइट भी लगाओ यार यहाँ पे, कुर्सी से काली काम थोड़ी चलेगा। ओके, नाइफ, कटिंग बोर्ड, नाइफ ये रहा, कटिंग बोर्ड ये रहा, ये लो पत्ता गोभी ले लो। किसको चाहिए पत्ता गोभी, ये लो इसमें रख लेते हैं पत्ता गोभी, ठीक है, सही है। तो अपन टोमेटोज ले गए थे, नहीं टोमेटो नहीं ले गए थे, कुकुम्बर नहीं ले गए थे, एक मिनट, कुकुम्बर ले भी जाना था अपने को, ले जाना था अपने को, और केचप, मेयोनीज, कैरेट्स, ओके तो ये रहा हमारा केचप, मेयोनीज और कैरेट, वेयर इज कैरेट, कैरेट इस साइड होगा, कबाब मीट भी ले जाना है ना, और मीट भी ले जाना है अपने को, कैरेट्स, ओके और ये रहा, नहीं तो रॉ कटलेट है, ओके व्हाट द हेल, ओ ये रहा कबाब ब्रेड, वाओ सामने तो पड़ा है तब से, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, चलो ये 10 ले लेते हैं। ऑल राइट, सब डन, खत्म, ऑल डन गाइस, चलो प्राइस सेट करना है एंड अपना बिजनेस चालू कर लेना है। वेल सब बंद हो चुका है भाई, होपफुली अपने पास पैसा आ गया और ढंग का, बट मैं ये सारी चीज़ें यहाँ रख जरूर दूंगा। ओके, सब सेट है भाई, तो कल आके हम अपनी दुकान चालू करते हैं एंड बनाते हैं कबाब। हेलो अंकिल, ये लो आपका भी बिजनेस चालू, खूब बनाओ कबाब मीट जो भी बना रहे हो आप। और एक्चुअली मैं ना कुछ और टेबल आई मीन कुर्सी खरीद के ले आया हूँ,
तो अपन इनको यहाँ लगा देते हैं भाई, लोग मस्त बैठ के खाएंगे। और अपने दो अलग ऐसे स्टूल हैं भाई, तो इनको मैं सामने सामने लगा देता हूँ ताकि अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। ए भाई एक गायब ही हो गया भाई। अच्छा नहीं है, बच गया भाई है। चलो गाइस ओपन करने का वक्त अपने शॉप को। चार कुर्सी हैं यहाँ पे। अब आई डोंट नो बनाना कैसे, एक सेकंड मैं देख तो लूँ। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को भाई यहाँ पे वो काट के रखना होगा, सब्जियाँ काट लेनी होगी भाई, आई मीन ऑब्वियस है। और इसको मैं इस पर डाल सकता हूँ और इसको चालू भी कर सकता हूँ, तो ये ख़राब तो नहीं होगा ना भाई, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। आई मीन पक जाना चाहिए, बस ओवर कुक ना हो जाए। तो अपन यहाँ पे अपना कटिंग बोर्ड लेते हैं, मेरे को वहाँ पे रखना पड़ेगा सारा कटिंग बोर्ड और ये सब। चलो तो अपन सब्जी लेते हैं, यहाँ रखते हैं। ए बन गया, तो बंद कर दूँ मैं इसको, हमें कर देना चाहिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। तो अपन ये लेते हैं नाइफ और इसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इसको अपन यहाँ रख देते हैं। ओके लुक्स गुड, वेरी नाइस, अच्छा है ये तो सिस्टम। एक मिनट, सारे खीरे अपन एक साथ रखते हैं, सारे काट पाएंगे क्या? मैं तो एक्सपर्ट लगेगा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ए बढ़िया है भाई, ये लो खीरे यहाँ रख देते हैं। ऑल राइट, और ये हमारे टमाटर, गाजर तो मेरे ख्याल से कटे हुए हैं। ऑल राइट, और ये रहे हमारे गाजर। गाजर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूँ? यस, गाजर डायरेक्ट ऐड कर दिया अपन ने। ऑल गुड गाइज, ऑल डन। ठीक है, हम चालू करते हैं अपनी दुकान। ऑल राइट, आ जाओ भाई आ जाओ, कबाब खा लो, शॉर्मा खा लो, मस्त मस्त मिलता है यहाँ पे, जल्दी जल्दी, 150 150। ओह पहला ऑर्डर आ गया गाइस, पहला ऑर्डर, लेट्स गो। तो इसमें डालना है अपने को शॉर्मा, आई मीन मीट डालना है, तो मीट यहाँ से लेते हैं अपन, ये डालते हैं इसके अंदर, थैंक यू। अरे भाई इतने सारे ऑर्डर को, उसमें डालना है कैबेज और गाजर, खीरा और ऊपर से मेयोनीज। ओके लपेट दो, और इसको डालना है अपने को इसके अंदर। ऑल राइट, अभी तो ऐसे काफ़ी सारे बनाने होंगे भाई, दो दो करके बनाते हैं फटाफट, बस जल ना जाए ये, मेरे को उसी का डर रहता है हर बार। सर सर रुक जाओ सर। ओके ये डाल दिया हमने गाजर, और हो गया सर। ये लो थैंक यू, कितना पैसा? $6, वाओ। एक मिनट, क्या क्या डाल दिया? गाजर वजरा डाल दिया अपन ने, खीरा नहीं डाला आई थिंक, खीरा डाल देते हैं, और मेयोनीज एक में, और एक में मेयोनीज विथ सॉस। रुक जा भाई, इतना तेज तेज काम नहीं कर पाएंगे अपन, पहले इनका बन जाए। ये किसका था भाई? मेयोनीज वाला लाल आदमी का, इसका था। ओके, और ये वाला किसका था? ये अंकिल का था। अंकिल अंकिल अंकिल, ये रहे अंकिल। ए अंकिल, अंकिल गिर गया लगता है, सॉरी। अरे दूसरे आदमी का था भाई, वो उस वाले का था, शिट। कोई नहीं, पत्ता गोभी डालते हैं और सॉस डालते हैं, और इसका तो बना के दे ही देते हैं भाई बेचारे का। कितना डिफिकल्ट है भाई, कसम से वो मैडम तो वॉकआउट कर गई। गेट अ लाइसेंस टू सेल ड्राफ्ट बियर। ओके वाओ, ये लो सर, ये लो, सही तो दिया, अब क्या गड़बड़ हो गई? कोई बात नहीं अपन, अच्छा पत्ता गोभी खत्म, वाओ। दुकान बंद करो भाई, नहीं चल रही दुकान। सो के उठ चुके हैं अपन वापस से, अपन ये पहले शॉप पे, दूसरे शॉप पे ये सारी चीज़ें पहुंचा देते हैं भाई, नहीं तो ये मेरा दिमाग ख़राब करती रहेंगी। बीच में इतना बड़ा पॉपअप है वो, तो अपन यहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं। A few moments later. ओ बन गया बन गया बन गया, ये लो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई बड़ा खतरनाक था ये। तो ऐसे ही करते करते हमें $2,000 कमाने हैं, और अपन बियर बियर भी बेचना चालू कर सकते हैं। रुको अपन बियर का लाइसेंस ले लेते हैं, तो बियर का लाइसेंस यहाँ तो मिल जाएगा। ऑल राइट, और पैसे नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, तो स्टैंड और ये सब खरीदना पड़ेगा अपने को अब। खैर अपने बाकी दोनों बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो अपन धीरे धीरे करके सब कुछ अपग्रेड कर पाएंगे। ओके गाइस, अपने पास $500 हो चुके हैं अपने दोनों बिजनेस को मिला के, अच्छा खासा प्रॉफिट आया उस दिन। अपन चलते हैं और वो बियर स्टैंड और बियर केग ले लेते हैं भाई, जो कि अपना कबाब स्टॉल का अपग्रेड रहेगा, एंड उसके बाद हम लोग फाइनली एक रेस्टोरेंट ले पाएंगे मेरे ख्याल से। तो प्रॉपर्टी में ये देखो बिल्डिंग है भाई, तो अपन एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खरीद पाएंगे, स्टॉल से मूव करेंगे भाई आगे। हम चलते हैं और यहाँ से ले लेते हैं, अपने को ये दोनों चीज़ें चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? स्टैंड फॉर ड्राफ्ट बियर, तो यही है ना, ड्राफ्ट बियर स्टैंड, और ये रहा अपना CO2। CO2 का क्या होगा? बियर केग, CO2 टैंक और बियर कप्स। ओके CO2 टैंक, बियर केग तो उस साइड था, और बियर कप्स। ऑल राइट, ये रहेगा इस बियर के केग्स, दो ले लेते हैं,
और बियर कप्स तो अपन ने पहले से यहाँ खरीद के रखे हुए थे तो उनको जेब में नहीं रख सकते हम। वाओ वेरी नाइस, तो ये ले लेते हैं हम तीन। ओके चलो गाइस रेडी हैं हम बियर बेचने के लिए, तो हम लगाते हैं अपना ये, ओहो ये स्टैंड बाहर लगा सकते हैं। अरे हाँ तब तो सही है, बाहर लगा देंगे ना अपन। ये लो बियर का बाहर ये लगा दिया हमने, और ये केग अच्छा इसके अंदर लगता है, और ये CO2 का क्या होता है, CO2 बगल में लगता है उसके। वाह चलो इसका सेट करना पड़ेगा क्या, ओ हाँ ये रहा, इसको मस्त बेचेंगे $3.5 का। चलो दुकान खुल गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको चाहिए आ जाओ। ओ नाइस, ये लो बियर बियर बियर, जिसको चाहिए बियर मिलेगा। अरे यार बाहर चाहिए मेरे को ये। ये लो आपका बियर, थैंक यू। सही है भाई, ये हो ना पैसे की बात, $118। वाह भाई खतरनाक पैसा आ रहा है अपने पास अब। बाहर बाहर से कौन पीने के लिए आ रहा है, चलो भाई सही पैसा आ रहा है अपने पास, इजी गाइस। तो नेक्स्ट स्टॉप अपना रहेगा ये दोनों बिजनेस, एक बड़ा वाला रेस्टोरेंट और ये फाइनली एक और अच्छा रेस्टोरेंट आई थिंक। तो ये सारी चीजें हम लोग अपग्रेड करेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए हम लोग ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर मजा आया हो तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, एंड हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।